और पंथ दियां समूह संपर्दावां पंथ जथेबंदियां हाजरियां भर रही ने मैं उन्हां सब नूं जी आया आखदा हां जी आया आखदा हां बाबा सरजोत सिंह जी बेदी जेड़े गुरमत सिद्धांत संत समाज के प्रधान ने जी आया आखदा बाबा ठाकुर सिंह जी दमदमी टकसाल के मुखी जो संत समाज के सरप्रस्त ने जी आया आखदा सिंह साहबान नूं और जी आया आखदा हां कि नहिंग सिंह दियां बाबा सुर सिंह नहिंग सिंह का जिहड़ा जत्था है बाबा बिंदी चंद के दल के नायक बाबा दया सिंह ते उन्होंने साथियों नूं हरिया बेला वाले तरना दल के नहिंग सिंह नूं समुचे संपर्दावा जो कलेरा वाली संपर्दा है जो राणा साहब वाली संपर्दा है और जो सेवा पंथी संपर्दा है सारिया संपर्दावा नूं और नाल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री पंजाब और सारे अकाली सिंघां सिंघणियां नूं मैं जी आया आखदा जो पंथ का समुचा समूह इस पवित्र दिन ते अपने नगरी दे विच सुशोभित हो के एक अजिहा मार्च कर रहा है जिस मार्च दे विच कलगी वाले पातशाह ने जदों किला छड्या सी उह कई किहड़े दिन सन इह मार्च इथों परिवार छोड़ा जाएगा पठा साहब जाएगा चमकौर साहब विश्राम करेगा और जी आया आखदा हां मैं भोली खेमा मंगदा भाई साहब भाई हरभजन सिंह योगी जी जेहड़े बहुत वड्डा जथा अमरीकन सिंघणियां दा लै के जुलूस विच शामिल होए ने उन्हां दी सेहत भी बड़ी खराब है लेकिन खराब सेहत के बावजूद भी वो पहुंचे ने होर भी जेहड़े महापुरख शामिल ने वक्त वक्त टकसालां ने और उन सारिआं नूं वक्त वक्त जथिआं दे जथेदार ने सारिआं नूं अपने दिल दीआं गहराइआं चों जी आया आखदा हां और रोम रोम करके रही हां कि तुसीं इस समागम दे विच इस मारी दे विच जो चाप जो उत्साह विखाया है ये आपां दा वेख रहे हां लेकिन जिहड़े सुणगे उन्हां दे तो गायब होएगी कहवे को शोभा नहीं देखा ही परवान जो दर्शन करनगे कर्मां वाले माई भाई और समूह साध संगत नूं हर गुरसिख माई भाई नूं मैं जी आया आखदा होया यह बेनती करदा कि जिस तरह संत मान सिंह जी ने बार बार एक गल दोहराई है कि गुरु की अपार बख्शिश हुई पंच समुचे ने सारे गुरदस्ते से जो कीमती फुल ने वो गुरदस्ते के रूप में अज समुचा पंच कलगिया वाले पातशाह श्रद्धा भेंट कर ली सत्कार भेंट कर ली उस मार्ग से बहुत अमन और शांति के नाल श्रद्धा के नाल सत्कार के नाल यात्रा करेगा और ये अरबा बारिया अपन प्राप्त है तीसरी शताब्दी खालसे की ओदे घर विच पहली बार मनाई जा रही है इस तो पहले उस शताब्दी लंघिया अपन इतने हाजिर हो के तखत श्री केसगढ़ साहब ते गुरु नूं सानूं टोण दा मौका नहीं मिलिया आपां करन वाले आ और आउणी शताब्दी दे चौथी है ओदे विचों कोई अपने विच नहीं होएगा जिहड़ा उहनूं दर्शन कर सकेगा और इस शताब्दी का संदेश की है उस संदेश पले बन के जाओ और उहनूं अमल विच लियाउण लई यत्नशील होवो संदेश है सिंह सजो अमृत छको नशे छको नशे अपने आप खत्म हो जाएंगे जब खालसा
अमृत सजेगा, सिंह सजेगा। इसलिए पिंड पिंड जाके घर घर के विच संदेश जो कलियां वाले का संदेश है और जिथे उन्होंने हुक्म किया रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाय रहत रहत धार्मी बन ली अमृत छकिए छकाइए और नाल हुक्म करके आपा शताब्दी नू अमली रूप विच मनाइए के जो नशा की आदत पंजाब दे विच पै गई है उन्हां नू छडाउण लई पूरा पूरा उपराला करिए। मैं फिर समूह साध संगत नू मन ते विराजमान सेवा करने वाले जो गुरु सिख संत ने जिन्हां ने गुरु घर की सेवा कराई है बाबा लाल सिंह जी उन्हां सारिआं नू फिर भी आखदा होया अपनी बेनती समाप्त करना उस चुकी वर्षो क्षमा करो फते प्रवान गज बज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज ने गुरनाथ साहब के संतान के अंदर बड़ा उत्साह है कि बाबा जी आप दर्शन दे बाबा अखंड सिंह जी जो कि साढ़े गुरमुख सिद्धांत प्रचारक संत समाज के चेयरमैन भी ने दमदमी किसान के मुखी बाबा ठाकुर सिंह जी जिन्हों की धारण है जिन्होंने सारे सारे इकट्ठे किया है बाबा हरि सिंह जी महान हस्ती जिस महान पुरुष ने धारणा और तपस्या का वर्ग साढ़े नाल है। हुण मैं बेनती करांगा श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल वो आप जी के नाल विचार साझे करन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज ये दृश्य वेख के पंथ की एकता एक थां बैठे वेख के जो खुशी हो रही है वो मैं लफ्जा बयान नहीं कर सकता। आप खालसे का 300 साल पुरब वसाखी वाले दिन मनाना ओदियां तारियां बहुत पहला आरंभ हो गई हैं और सब तो बड़ी खुशी है कि सारे ही संत समाज श्रोमणी अकाली दल अकाल तख्त के जथेदार इन्हां दी डायरेक्शन हेठा बहुत वड्डे वड्डे प्रोग्राम बन रहे हैं। अज भी इतों जो बाहर हो रहा है ये बहुत महत्ता है क्योंकि अज के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने यह फेरा छड़िया सी ते जुल्म ते जबर के खिलाफ लड़ाई लड़के सारा ही सरबंस बार दिता जिन्नी कुर्बानी का राज खालसा पंथ से है मैं कहना दुनिया किसी होर कौम नू एडा नरोआ इतिहास नहीं मिले। और सब तो वड्डी गल कि जो कुर्बानियां कीतियां वो कोई राज भागने वास्ते नहीं कीतियां बल्कि उस वेले जो जुल्म हो रहे सन जबर हो रहे सन उहदे खिलाफ वो जूझे ते सारा सरबंस बारे अज दे दिन नूं वड्डी श्रद्धांजलि इही होएगी कि आपां इन्ने मजबूत होइए इन्नी एकता होवे कि जुल्म ते जबर दे खिलाफ तगड़े होके जूझ सकीए। इसलिए समय की घाट है जरूर सके लेट हो गया है